अबे झंडू, क्या एक ही टी शर्ट में वीडियो बनाया जा रहा है? क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास एक ही शर्ट है, एक ही दिन में मैंने सब देख लिया था, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला नौटंकी खत्म, वरना कमेंट सेक्शन पे लोग जाके लिखेंगे बॉलीवुड के नेपो किड से अच्छा एक्टिंग तो तू कर लेता है। तो चलो यार, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वंडर वुमेन के बारे में। अब वंडर वुमेन 84, देखो यार, मैं सच बताऊं, मेरी दिल के अंदर से जो बात आ रही है ना, वो यही है कि भाई कहानी जो था ना, बहुत ही सिंपल था, लेकिन हम पता है ना, हॉलीवुड वाले को थोड़ा अच्छे से प्यार से सम्मान से लेते हैं। हाँ चलो यार, ठीक है, रिव्यू करते हैं। मुझे कैसी लगी फिल्म, आपको कैसी लगी होगी, और अभी देख ही लिया होगा तो ठीक है, पर एंडिंग एक्सप्लेनेशन बनता है। हाँ एंडिंग एक्सप्लेनेशन, तो मैं पहले थोड़ा स्टोरी के बारे में बात करूंगा, उसके बाद से आता हूँ मैं एंडिंग एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है? एक मिनट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ यार, चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और हाँ एंड तक देखना जरूर। हाँ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, स्टार्टिंग में जो दिखाया ना, बॉस आउट ऑफ द वर्ल्ड था, बॉलीवुड वाला स्टाइल था, बॉलीवुड मसाला था, मतलब एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक धमाकेदार, उसके साथ में जो विजुअल है, उसके साथ जो भी एक्शन को कोरियोग्राफ किया गया, वो बहुत ही अमेजिंग और देखने लायक है बॉस। तो भाई जिसको देख करके तो मजा आ गया। उसके वजह से कहानी कुछ अलग ही जगह पे जंप मारती है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। अब उस स्टोरी के अंदर में ये दिखाया जा रहा था कि भाई वंडर वुमन जो है बहुत ही सिंपल बन के दुनिया से छुप के रहती है, लेकिन जब भी मुसीबत आता है हमारे शक्तिमान भैया की जैसे टपक पड़ती है। एज यूजुअल जितने भी सुपर हीरो होते ऐसे ही करते भाई, और कुछ नहीं, ऐसे ही होता है। हाँ अब इन सारी चीज़ों को देख करके एक ऑफिस की लड़की जो है वो मतलब इन्फ्लुएंस हो जाती है और बोलती है काश मैं भी ऐसी हो सकती थी, और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है कि वो हो जाती है। आप लोगों ने देखा ही है, क्या मैं देखा 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 कर रहा हूँ? भाई जिन लोगों ने नहीं देखा है आप देख लेना, उसके ऐसे एंडिंग एक्सप्लेनेशन पे आना, क्योंकि ये वाली कहानी देखने लायक है, कहानी बताने लायक कुछ है ही नहीं है। क्या है, ठीक है बता देता हूँ। देखो, एक ऐसा पत्थर जो कि वंडर वुमन को मिला, और उस पत्थर से उसने कुछ विश मांग ली थी, और उस विश के बदले में जो है उसका कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दूर हो गया था, और वो कोई और नहीं था यार, छावा था बंदे का, छावा था सीरियसली। उसके ऐसे वो धीरे धीरे पावर्स खोने लग गई थी। अब खोने लगी तो लगी यार, एक झंडू को मतलब ऑयल पे पैसा लगाया था उसने, वो जहां जहां पे ऑयल निकलते उन सारी जगह पे वो पैसा लगाया था, लेकिन झंडू ने कुछ ऐसे जगह पे पैसा लगा दिया जहां पे साला कोई तेल वेल है ही नहीं, मतलब उसके लग गए, पूरी तरह से लग गए। उसका जो एक इन्वेस्टर था वो ऑफिस में आ जाता है, और आने के बाद में उसकी बहुत बेइज्जती करता है। उसके सामने में एक छोटा सा चैम्प होता है, एकदम क्यूट सा सिंपल सा बंदा, वो देख करके हिल जाता है, मेरे बाप को ऐसी तैसे बोल के कैसे चला गया। फिर भी बाप उसको जाके समझाता है, मतलब देख बेटा आपन जो है ना एकदम लूजर नहीं है, आपन एकदम मस्त छाएंगे एक दिन, बस ये सब बोल करके निकलता है बंदा। फिर वो जो इन्फ्लुएंस होती है वंडर वुमन की दोस्त, मतलब वो बंदी जो कि हर हिस्टोरिक चीज़ को और पुरानी चीज़ों का मतलब कच्चा चिट्टा निकालती है, क्या बोलती रही उसको, वही समझ लो। तो भाई वो बंदी के साथ में जो ना ये वाला बंदा, हाँ जो अपना ये बंदा है जो झंडू बोला गया, वो बंदा जाता है उसके पास में, और जाने के बाद में वो नोटिस करता है कि उसके ऑफिस में एक पत्थर है जो कि बहुत यूनिक है, और उस पत्थर का कुछ तो राज है, और उसको इतना समझ में आ गया ये पत्थर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोले तो एकदम मस्त छा जाओ गुरु वाला, एकदम हो जाएगा ऐसा। तो भाई प्लानिंग क्या करते हैं, एक ऐसी लड़की जिसको दुनिया भाव नहीं देती है, जो काम कर करके पागल हो गई है, उसके ऐसे उसको वंडर वुमन बनना है, तो उसके साथ में वो बंदा क्या करता है, डेटिंग शेटिंग का गेम खेलता है। उसके बाद से उसके साथ में जब वो हो रहा था ना, तभी बंदा ले करके जिम में डाल देता है, और उसके बाद से फिर बता देता है, तो बोलती है ठीक है उधार रखो। बोले तो एकदम रख लो, ठीक ही है, क्या पत्थर है कुछ मुझे पता ही नहीं चला, तुम पता लगा लो। बस उसको उसी चीज़ का इंतजार रहता है, और जाने के बाद में वो पत्थर से विश मांगता है कि वो खुद वो पत्थर बन जाए, मतलब वो पत्थर ऐसा है जो सबको वरदान देता है, कोई भी कुछ भी विश मांगे वो उसको देता है, लेकिन कुछ तो लेता है, मतलब बोले तो कुछ तो लेता है रे, तो ठीक है लेट इट बी, जाने दो। अब होता क्या है भाई, वो बंदा जो है वो पत्थर खुद अपने अंदर ले लेता है, वो खुद पत्थर बन जाता है, उसके बाद से वो एक एक करके सबको वरदान देना चालू करता है। अब ट्रिक ये रहता है भाई कि ये जो भी वरदान देगा ना, उसके बदले में आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट या प्यारी चीज़ वो ले लेगा, ठीक है, जो आपके लाइफ में आपके अंदर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो छीन लेगा, जो कि यही चीज़ वंडर वुमन के साथ भी हुआ था। और उस चीज़ का पता उसको तब लगता है जब वो एक बार जाती है लोगों को बचाने के लिए, और वहाँ पे उसको जब गोलियां लगती है तो पता चलता है भाई मेरे को लग रेला है, बहुत ही बुरी तरह से लग रेला है, और मेरी लग गई लिए बोले तो एकदम। तो भाई बंदा जो है सबको वरदान देता है, उसका इंपॉर्टेंट चीज़ ले लेता है, मतलब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के पास गया, उसको जा करके बोला तुमको क्या चाहिए, उसने बोला मेरे पास में जितने भी न्यूक्लियर पावर है वो सब के सब ऑन कर सकूँ, मैं सबसे लड़ाई कर सकूँ, और सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे सकूँ। उसके बाद से फिर हो गया,
तथास्तु बोल देता है, मतलब वो इंग्लिश स्टैंड में बोलता है, अपना यहाँ पे होता तो तथास्तु होता, तो वो तथास्तु बोल देता है। उसके बाद से वो बंदे का जो है पावर ले लेता है कि आज के बाद से तुम्हारे सारे पावर मेरे। अब इस पूरे झोल झपाटे के अंदर में क्या होता है मालूम है, उस बंदे के अंदर में जो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब डैमेजेस होना शुरू हो जाता है, उसके चेहरे उसकी आँखें मतलब अजीब सी होने लग जाती है। फिर उसका बेटा कुछ बोलने वाला रहता है कि मैं चाहता हूँ, उसको रोक देता है, बोलता है मांगना है तो कुछ अच्छा मांगो। सीरियसली काश भगवान ऐसे यार, मांगना तो कुछ लेकिन कुछ देने का नहीं बदले में, नहीं नहीं रे बाबा नहीं, अपना सिर्फ वर्शिप देगा, अपन सिर्फ वर्शिप देगा और कुछ नहीं देगा। क्या मैं भी अपना रोना लेके बैठ गया। तो भाई आगे चल के भाई साहब क्या करते हैं कि बोलते हैं कि मैं पूरी दुनिया को एक साथ कुछ ऐसा हो जाए कि एक साथ जो भी मुझसे जो भी मांगे बस उसका मैं तथास्तु कर दूँ, उसकी विश पूरी हो जाएगी और बाद में जो है मैं उसका इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ले लूँगा। अब ये सारी चीज़ जो हो रही होती ना बस, इसके बीच में वंडर वुमन और उसका बॉयफ्रेंड वो भी रिटर्न आ जाता है। उन लोगों को बाद में पता चलता है कि वो पत्थर में कुछ तो ऐसा है जिसके वजह से अपन लोगों का बहुत ही मतलब नुकसान हो गया है और अभी इसकी भरपाई अपन करेगी। ऐसा बोली नहीं थी यार, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो वो जो क्लाइमैक्स होता है ना, क्लाइमैक्स इसकी माँ का स्पॉइलर अगर नहीं जानना है निकल लो। हाँ, तो वो जो क्लाइमैक्स होता है ना, क्लाइमैक्स में देखो एक बहुत ही दमदार सी चीज़ देखने को मिली कि एक जो वो वंडर वुमन धीरे धीरे बन रही थी, वो जो इन्फ्लुएंस हो गई थी वंडर वुमन से, वो बनी। बनने के बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए पूरी पागल हो गई। उसके ऐसे बोली, वो ऐसा विश मांग ली, मुझे ऐसा बना दो जो मुझसे कोई टक्कर ही ना ले पाए। और सच्ची में ऐसा हो जाता है, वो चीता बन जाती है। उसके ऐसे ये पता नहीं कहाँ से पंख लगा के आ जाती है। यार देखो यार, आयरन मैन वगैरह देखा था ना, तो उसमें पूरा सूट चेंज होते हुए दिखता है, तो उसको देखने का मजा ही अलग रहता है। पर यहाँ पे कैसा वहाँ मालूम है, सीधा एकदम छपाक लैंडिंग, और दूसरी तरफ में वो उधर पे चीता अंधेरे में खड़ी रहती है, वहाँ से वो भी छपाक, फिर फाइट वाइट होता है। अब एंड में क्या होता है कि एंड में वो भाई साहब जो है ना, पूरी दुनिया के लोगों का विश पूरी कर रहे होते हैं और पूरी दुनिया पागल हो रही होती है। मतलब पता है ना, वो भगवान का एक रूल है, अगर सबकी विश पूरी हो गई तो फिर बैलेंस कैसे बनाएंगे, तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है। अब इस चीज़ को जो है वंडर वुमन भी नहीं रोक पाती है, तो फिर क्या होता है मालूम है, अपना शाहरुख जैसा चाम आता है उसके अंदर में, मतलब वो एकदम अच्छी अच्छी बातें करने लगती है। उसके बाद से लोग जो है अच्छे अच्छे सुन के अच्छे अच्छे करने लग जाते हैं और अपनी विश को त्याग देते हैं, मतलब रिनाउंस कर देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मेरा जो विश है ना वो मत पूरा करो, ले लो वापस और मेरी चीज़ें मुझे वापस दे दो। ये हो जाता है, सीरियसली हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में क्या होता है, वो जो विलन होता है ना भाई, वो झंडू, वो खड़ा होकर के ना बस ऐसा कर रहा होता है, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं पूरा एकदम संपूर्ण हो गया हूँ, मैं अभी मतलब अभी पूरा हो गया, इमॉर्टल हो गया मैं। वो भाई साहब को पता ही नहीं रहता कि कब उसके पैर में जो है वो रस्सी बांध चुकी है और उसके बाद से उसको भी कन्विंस कर चुकी है। और फिर धीरे धीरे उसको भी रियलाइज़ होता है, वो भाई साहब सब कुछ छोड़ छाड़ करके अचानक से एकदम हेलीकॉप्टर में लैंडिंग करते अपने बेटे को ढूंढते हुए, और बेटा मिल जाता है। उसके ऐसे जाने के बाद में एक बहुत अच्छी सी चीज़ बोलता है कि बेटा मैं लूज़र हूँ और मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है, लेकिन मुझे इतना यकीन है तुम बड़े होकर के अच्छे इंसान बनोगे और बहुत ही अच्छा काम करोगे, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। तो भाई एक्सप्लेन एंडिंग का ये है कि कोई भी चीज़, जो भी जितनी भी चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ वापस होते हुए देखा थी, साफ रिवर्स में। अब ये भाई क्रिस्टोफर नोलन का तो फिल्म था नहीं जिसके अंदर मतलब सब कुछ रिवर्स मार दिया, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे दीवार टूटते हुए जा रही है, सबकी मेमोरीज वगैरह का क्या होगा, दीवार टूटते हुए गया, वो जो मिसाइल से उसको रिटर्न जाते हुए दिखाते हैं, इसकी मात। अब देखो यार, इस पूरे चीज़ को हजम कैसे करना मालूम है, वो बॉलीवुड की मूवी होती ना, उसके मसाले के जैसे हजम कर जाओ। मतलब सलमान ने किया चलता है, शाहरुख ने किया चलता है, रजनी सर ने किया चलता है, काय का लॉजिक ढूंढता है भाई, नहीं ढूंढने का, चलता है। तो एंडिंग में बस यही होता है। अब यार वीडियो का एंड हो चुका है, अब ये मत कहना कि यार तूने मेरा पूरा काट दिया है, मेरा इतना टाइम वापस दे मेरा। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू डू रिव्यू एंड स्टोरी टेलिंग इन द डिफरेंट वे, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू इंटरटेन यू, लेकिन यार पता नहीं आप लोगों को इतना अच्छा लगा है। लाइक डिसलाइक के बटन है, उसमें जो भी आपके विचार है प्लीज़ यार व्यक्त करो, और साथ ही साथ यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के निकालो अपनी बड़ास, दे गाली ज़्यादा भी देना मत प्लीज़। तो दैट्स इट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टू बाय साइन एंड अस लव इस्ट। और हाँ, ये लेफ्ट राइट में जो भी वीडियो देख रहा है इसको भी जरूर देखना। चलो बाय।